सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको ब्रेड पकौड़ा बनाना बता रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे ब्रेड पकौड़े हैं, ये आप इनको खाइए और मेहमानों को खिलाइए नाश्ते में, कभी भी हल्की फुल्की भूख में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए हमको किन किन चीजों की आवश्यकता है। ये है रिफाइंड ऑयल, ये नमक है, ये गरम मसाला, खटाई, और ये बेसन है एक कटोरी, और ये चार मैंने आलू जो है उबाल के ले लिए हैं, और ये रेड चिली पाउडर है, ये टर्मरिक पाउडर है, ये कोरिएंडर पाउडर है, ये जीरा है, और ये मैंने ब्रेड स्लाइस ले ली है। या आप चाहे ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं या वाइट ब्रेड, कोई भी ले सकते हैं। और ये ग्रीन चिली है जो मैंने चॉप कर ली है, और ये जिंजर का जो है मैंने काट लिया है, आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। और ये हरी धनिया है जो मैंने धो के इसको काट ली है। आइए देखते हैं अब इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बैटर बना के रख लेंगे बेसन का। तो इसमें हम नमक डाल देंगे, आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, और आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच से कम ही डाला है। और अब हम इसका बैटर बना लेंगे। आप इसमें थोड़ा सा सोडा भी डाल सकते हैं, अच्छा फ्लफी बनेगा, थोड़ा सा फूला फूला सा, लेकिन वो जो है तेल बहुत सोखता है, इसलिए मैं जो है सोडा नहीं डाल रही हूँ। अब इसमें हम पानी डाल के इसका बैटर बना लेंगे, इसमें कोई लम्स ना रहे, हमको ऐसे बैटर बनाना है। इसका हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें बैटर बना लेंगे, एक स्मूथ बैटर। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए मैंने बैटर तैयार करके रख लिया है, इसमें एक गिलास पानी लग गया, थोड़ा सा बचा है, और ये आलू को मैश कर लिया है। तो अब हम कढ़ाई चढ़ा देंगे इस पे, गैस पे, और थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया, अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे आधा चम्मच, और फिर ये हरी मिर्च, अदरक, और मैंने एक छोटा सा प्याज काट लिया, ये प्याज भी डाल देंगे। इसको थोड़ा सा सौते होने देंगे। प्याज थोड़ा सा भून गया है, अब हम इसमें आलू डाल देंगे, और ये थोड़ा सा किनारे करके इसमें ऐसे हल्दी डाल देंगे, और आधा चम्मच से थोड़ा कम ही डालेंगे लाल मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्च थोड़ा ज्यादा डाली है, और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, और ये गरम मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, और ये नमक मैंने डेढ़ चम्मच डाल दिए, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये भून गया है आलू, अब हम इसे हरा धनिया डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये हो गया, इसको हम पलट लेंगे कटोरे में। गैस बंद कर दिए मैंने। अब हम ये मैंने तेल जो है कढ़ाई में चढ़ा दिया है, गर्म हो रहा है। अब हम ये ब्रेड में ये आलू जो है ऐसे लगाएंगे, पूरा स्प्रेड कर देंगे, जैसे मक्खन लगाया जाता है उस तरह से, ऐसे दबा दबा के।
चारों तरफ ऐसे लगा देंगे और फिर दूसरे ब्रेड से ऐसे ऐसी हम सारी ब्रेड में ऐसे आलू लगा लेंगे। हम ब्रेड को ऐसे हाफ कर लेंगे, तिकोना तिकोना ऐसे काट लेंगे इसको। अब हम इसको ऐसे जो है डिप करके, और तेल गरम हो गया है, हम तेल में इसको ऐसे आराम से डाल देंगे। कढ़ाई में जितना आया है फिर उतना एक साथ में डाल देंगे। इसको हम दोनों तरफ से गोल्डन कर लेंगे। ये जब एक तरफ हो जाएगा तो हम इसको आराम से किसी चीज की मदद से ऐसे पलट देंगे। इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा तेल डाल देंगे तो ये ऊपर से भी थोड़ा सा हो जाएगा। फिर इसको भी ऐसे पलट लेंगे। फ्लेम को हमको तेज नहीं रखना है, मीडियम ही रखना है। धीमे धीमे हम एकदम धीमा भी नहीं रखना है, बस मीडियम ही रखना है। इसमें आराम से पक जाएगा। ये देखिए तल के अभी तैयार है और हम इसको निकाल लेंगे। इसको ऐसे साइड में कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा तेल होगा इसमें वो जो है कढ़ाई में चला जाएगा। ये जो टुकड़े रह गए इनको हम निकाल लेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो इसको हम निकाल के अलग कर देंगे और फिर बाकी ये जो ब्रेड हमने तैयार करके रखी है इसको भी हम ऐसे बैटर में डिप करके और इसका फ्राई कर लेंगे। गैस को हमको एकदम स्लो भी नहीं करना है, नहीं तो फिर तेल जो है पकौड़ा बहुत सोख लेगा। इसलिए हमको मीडियम ही रखना है, ज्यादा ना तेज करना है ना तो स्लो करना है। और इसको ऐसे फ्राई करके सब निकाल लेंगे। ये देखिए ब्रेड पकौड़े तैयार हैं। आप इसे सॉस के साथ, टोमेटो सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ में, हरी धनिया वाली उसके साथ में सर्व कर सकते हैं। आप इसको भी ट्राई करिए और कमेंट करिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।